नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में यातायात नियमों की समझाइश बच्चों को दी गई। एसपी मनोज कुमार राय के निर्देश पर यातायात टीआई दिनेश बैन ने बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़क पर उतरने को कहा। इस दौरान उन्होंने बच्चों को बोर्ड के माध्यम से यातायात संकेतों की जानकारी दी। छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से यातायात नियम का पालन करते हुए वाहन चलाने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। आज हुई जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने जिलों की जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्हें 115 आवेदन प्राप्त हुए। आज जनसुनवाई में मुख्य रूप से बीपीएल सूची में नाम दर्ज कर राशन कार्ड बनाने, अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने सहित आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में आवेदन आये। पहली बार छिंदवाड़ा पुलिस के साइबर सेल ने सराहनीय पहल करते हुए गुम और चोरी हुए लगभग 4 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन विशेष मुहिम चलाकर ढूंढ निकाले हैं, जो आज एसपी ऑफिस में उनके मालिकों को बांटे गए। परासिया ग्रामीण प्रखंड के ग्राम उर्धन में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष शिव उसरेठे और चौरई ब्लॉक अध्यक्ष करण रघुवंशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए संगठन की कार्यपद्धति पर प्रकाश डाला। आबकारी का अमला ढाबों की तलाशी के अभियान के साथ ही गांव-गांव में बिकने वाले अवैध शराब के खिलाफ भी मुहिम छेड़े हुए हैं। चौरई के आबकारी अमले ने आज 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 55 पाव देसी शराब और 6 लीटर हाथ मुट्ठी मदिरा जब्त की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चौरई वृत्त प्रभारी वैशाली भगत ने सबसे पहले बेलखेड़ा में छापामार जटाशंकर के घर से 15 पाव देसी शराब जब्त की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।